अब हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16। इलस्ट्रेशन नंबर 16 में हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है, द प्रॉफिट इन डेली बिजनेस ऑफ अ बिजनेसमैन हैविंग ग्रॉसरी शॉप फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरियंस ऑफ प्रॉफिट इज 2 to 500, यानी कि वेरियंस का मतलब क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर, और वो हमें दिया है 2 to 500, यानी कि अगर आप इसका रूट निकालोगे तो सिग्मा हमें मिलेगा 150। क्लियर, आगे देखते हैं, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डेली प्रॉफिट इज less than 1000, और हमें क्वेश्चन अगेन आई रिपीट इट, द प्रोबेबिलिटी दैट द डेली प्रॉफिट इज, यानी कि प्रोबेबिलिटी दिया है, किसका प्रोबेबिलिटी दिया है, तो कि लेस देन 1000 इज 0.0918। फाइंड द एवरेज डेली प्रॉफिट, एवरेज का मतलब होता है मीन, एंड मीन मतलब होता है म्यू, यानी कि हमें फाइंड करना है फॉर दिस क्वेश्चन म्यू। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, तो कि एक्स वाला क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। एक्स वाला क्वेश्चन कैसा होगा कि पी ऑफ एक्स, यहाँ पे दिया है लेस देन और इक्वल टू, यानी कि सॉरी लेस देन दिया है, तो हमें करना है लेस देन और इक्वल टू 1000, और जिसका आंसर हमें पता है कितना है, तो कि 0.0918। सिंपली क्या करेंगे, इसको जेड में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन और इक्वल टू 1000, माइनस म्यू हमें नहीं पता है और सिग्मा है हमारा 150, और जिसका आंसर है 0.0918। सिंपली ये क्या हो जाएगा हमारा गाइस, सो कि जेड लेस देन और इक्वल टू, कुछ भी नहीं पता है, कोई मिसिंग वैल्यू है तीनों में से, तो हम क्या कर लेते हैं, जेड वन सपोज कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 0.0918। सिंपली अब हमें जेड का आंसर पता है, हमें क्वेश्चन फाइंड करने की कोशिश करनी है। क्लियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल कर्व में उसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा नॉर्मल कर्व 0 माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, तो कि हमें यहाँ पे दिया है लेस देन और इक्वल टू का साइन, यानी कि हमें चलना यहाँ से शुरू करना है, लेस देन माइनस इन्फिनिटी साइड से, कितना चलना है, तो कि 0.0918 तक ही चलना है, यानी कि हम लोगों ने चलते चलते यहाँ पे शुरू किया, हमें लगा कि यहाँ पे हमारा जेड वन कहीं पे हो सकता है, और देखो आपका एल्बो का साइन ऐसा है, यानी कि ये डायरेक्शन में आपको जाना है, तो ये वाला एरिया आपका कंसिडर होगा, यानी कि ये एरिया आपको पता है 0.0918। क्लियर, बट हमें तो फाइंड करना है जेड वन का वैल्यू, अगर रिवर्स वैल्यू देखना है तो जीरो से टच एरिया चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, इतना वैल्यू हमें पता होता है 0.5, इतना हम जानते हैं, इतना अगर माइनस कर देंगे तो ये वाला वैल्यूएशन मिल जाएगा। क्लियर, नोटिफिकेशन में कैसे लिखेंगे, तो कि पी ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन जेड लेस देन इक्वल टू 0 माइनस पी ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन और सॉरी सिर्फ लेस देन जेड लेस देन और इक्वल टू जेड वन, और गाइज ये खास नोट करना, इन्फिनिटी के साथ सिर्फ लेस देन आएगा, और जब भी आप माइनस में एरिएशन दिखाते हो तो आपको कंपलसरी बिकॉज ऑफ सिमेट्री करके लिखना पड़ेगा। क्लियर, अब ये एरिया हम लोग जानते हैं कितना होता है 0.5, माइनस ये एरिया कर दो तो 0.0918, तो आपको मिलेगा 0.4082, यानी कि रिवर्स एरिया हमें ये देखना है 0.4082। अब देखो गाइस, जेड वाला जो बीच का आपका आंसर है उसमें फाइंड करो 0.4082, तो आपको एग्जैक्ट जेड वन यानी कि 1.33 पे मिलता है 0.4082। इट मीन्स कि हमारा जेड वन का आंसर हो जाएगा 1.33, बट हमारा जेड वन लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड, इट मीन्स कि ये कैसा वैल्यूएशन हो जाएगा हमारा, माइनस। अब देखो हमें जेड वन फाइंड नहीं करना था, बट हमें तो म्यू का वैल्यू चाहिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसके जगह पे हमने जेड वन रखा था, तो जेड वन इज इक्वल टू ये वाला पोर्शन रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, जेड वन इज इक्वल टू 1000 माइनस म्यू अपॉन 150। अब हमें जेड वन पता है कितना है, माइनस 1.33, माइनस 1.33 इज इक्वल टू 1000 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 150। क्या करेंगे, तो कि ये वाला जो वैल्यू है वो हमारा कैसा है, तो कि डिवीजन में यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। क्लियर, और फिर ये वाला वैल्यूएशन हमारा माइनस है, म्यू को हमें फाइंड करना है तो उसको इस साइड लेके आते, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा वैल्यूएशन, ऐसा हो जाएगा कि माइनस 1.33 इंटू 150 इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 माइनस म्यू। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये पूरा जो टेबल है उसको सामने ले जाते तो ये माइनस हो जाएगा, और ये वाला जो एरिएशन है उसको यहाँ पे ले आते तो ये ऐसा हो जाएगा कि म्यू इज इक्वल टू 1000 माइनस 1.33 इंटू 150। इट मीन्स कि ये वैल्यूएशन हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपको म्यू का वैल्यू मिलता है 1199.5। तो ये हो गया हमारा एवरेज का वैल्यू। गाइज आपको कभी भी म्यू सिग्मा या फिर एक्स फाइंड करना है तो हम सेम मेथड ही फॉलो करेंगे।